ये लड़की हाथ में कैमरा उठाए इस्लामाबाद के अतवार बाज़ार में, जो पेशावर चौक है उसके करीब कहीं, अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें उतारना चाह रही थी। तो अचानक उसकी नज़र एक चाय के स्टॉल पे पड़ी। एक बलोरी आँखों वाला पठान बच्चा जो है, सियान कलर की शर्ट पहने हुए, उसे नज़र आया। उसने उसकी तरफ कैमरा किया और क्लिक कर दिया। तस्वीर अच्छी बन गई थी। वो घर आई, 14 अक्टूबर 2016 की बात है। उसने छोटे भाई को दिखाया कि भैया ये देखो, मैंने आज ये काम किया है। उसने कहा भाजी इसको इंस्टाग्राम पे डालें। उसने इंस्टाग्राम पे डाला और देखते ही देखते शाम तक उसकी तस्वीर वायरल हो गई। चाय वाला लग गया, पाकिस्तानी चाय वाला, एक खूबसूरत चाय वाला, एक पॉजिटिव चाय वाला, और पाकिस्तान की वो सफारतकारी करने लग गया। अब हम भी हैरान थे, मीडिया स्टूडेंट सभी हैरान थे कि ये कैसे वायरल हुई। एक चाय वाले की केतली में वो चाय उंडेलने की जो तस्वीर है, वो कैसे इस वक्त पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ईरान, हर जगह फैल गई है। बड़ी हैरत थी हम जैसे लोगों को। बड़ी हमारे ख्याल में वो एक आम सी तस्वीर, और लड़का भी इतना खूबसूरत नहीं था। हमारे तो इर्द गिर्द राही, जट, कश्मीरी, राजपूत, हर बंदा ही इतना हसीन है। तो हम सोचते थे कि ये कुछ इसमें कोई ख़ास है। अच्छा, मैं उसकी टाइमिंग जज कर रहा था, मैं उसको टाइम देख रहा था कि ये कैसे मुमकिन हुआ है कि एक आम तस्वीर इतनी वायरल हो जाए। मीडिया के जो गुरुज थे, उन्होंने देखा कि इंडिया टुडे, NDTV, हिंदुस्तान टाइम्स, हर जगह पे ये चला है और सोशल मीडिया ने इसको उठाया है। कहते हैं कि वायरल होता नहीं, वायरल किया जाता है। तो ये वायरल किया जाना जो है ना अरशद खान का, ये बड़ा मीनिंगफुल था। आप जानते हैं कि 17 जनवरी 2014 को कांग्रेसी जो लीडर हैं मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहीं कह दिया था कि ये मुमकिन नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। वो उन्होंने कहा था कि मैं 21वीं सदी में नहीं देख रहा कि किसी तरह भी नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। हाँ, वो यहाँ पार्लियामेंट में आके चाय वगैरह बेच सकते हैं। इसके ऊपर बड़ा शोर मचा और लोगों ने कहा कि ये ज़्यादती की है मणिशंकर ने, मोदी साहब को चाय वाला कह दिया, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला हो गया हर तरफ। तो अगले दो साल 26 मई 2014 को मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद से वो अवॉइड करते थे कि चाय पे बात करे या चाय वाला उन्हें कहे। लेकिन आगे 2017 के जब इंतखाबात सर पे आए, तो मुझे लगता है, मेरा एक ख्याल है, मेरा एक फ़लसफा है या मेरी एक अप्रोच है कि मुझे लगा कि कुछ मीडिया स्ट्रेटजिस्ट ने, कुछ PR कंपनीज ने, कुछ और लोगों ने, जैसे ही जिया अली की ये तस्वीर जो उन्होंने इस्लामाबाद में अरशद खान की बनाई थी उसको देखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि चाय वाला जो है वो एक ताने की बजाय एक फ़ख्र बन सकता है। उन्होंने उस फ़ख्र बनने के उस मरहले को कैश किया, उन्होंने चाय वाले को प्रमोट किया। और फिर चाय वाला जो है वो आज़ाद चाय वाला तो पहले से चल रहा था, लेकिन ये चाय वाला जो है अरशद खान चाय वाला, वो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मसला था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ख़ुद को एक बड़ा आदमी के तौर पे पेश करने का, वो वाकई उनका फ़ख्र बन गया। एक मौके पे मणिशंकर ने ये भी कह दिया कि कोई नीच ज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो फिर डंके की चोट पे कहा मोदी साहब ने कि मैं चाय वाला हूँ और मैं चाय बेचता हूँ। फिर उन्होंने उसके बाद एक और स्ट्रेटजी इख्तियार की। उन्होंने ये इलेक्शन से पहले, 2017 के इलेक्शन से पहले, उन्होंने चाय के वेंडर्स बुलाए और चाय के साथ निस्बत जो है वो एक बड़ा एज़ाज़ की बात बन गई। हमारे यहाँ नक्कू कहते हैं, तो नक्कू जो है उससे, वो नक्कू वाला मामला जो है उससे गुज़र के वो एक फ़ख्र वाला मामला बन गया। मैं समझता हूँ कि मीडिया स्ट्रेटजिस्ट जो हैं, जो प्लानिंग करने वाले हैं, उनको इस तरह की बारीक चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। चाय वाला जो है वो आज़ाद भी बन सकता है। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम खामखा शर्मिंदा रहते हैं। अगर उनको कोई पॉजिटिव मीडिया स्ट्रेटजिस्ट मिल जाए, इमेज बिल्डिंग का माहिर मिल जाए, PR का माहिर मिल जाए, तो वही चीज़ें जो हैं वो हमारा फ़ख्र बन सकती। सलामत रहिए दोस्तों, और मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। मुझे यकीन है कि नई
अनोखी और मुनफरद वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। सलामत रहिए।